Good morning, friends. In the last session, we have discussed question number 1 of revisionary test paper November 2018 examination. Now, today we will be discussing question number 2nd of the revisionary test paper November 2018 examination. Now, question number 2nd, kya kehta hai? Dekhiye, XYZ Limited, New Delhi. XYZ Limited kahan located hai? New Delhi ke andar located hai. Manufactures biscuits, they are manufacturers of biscuits under the brand name of Tasty Picks. So, ye biscuits manufacture kar rahe hain aur brand name Tasty Picks ke tahat ye biscuits ka manufacturing kar rahe hain. Biscuits are supplied to wholesalers and distributors located across India. Jo bhi wholesalers hain ya distributors hain pure India mein, unko FOR basis pe ye biscuits supply kar rahe hain kahan se? From the warehouse of the company located at New Delhi. Warehouse se de rahe hain, and the warehouse of the company is located where? In New Delhi. And the company uses multiple modes of transport for supplying the biscuits to its customers spread across the country. Aur company kya kar rahi hai? Multiple modes of transport use kar rahi hai. Ho sakta hai wo GTA ki service avail kar rahi ho. Ho sakta hai wo rail ke madhyam se maal bhej rahe ho. To ye various modes of transport apan kya hai? Use kar rahe hain. The transportation cost is shown as a line item in the invoice and is billed to customers with markup of 2% of the total amount of freight paid inclusive of taxes. So, jo transportation cost hai usko separately show kiya ja raha hai as a line item in the invoice, separately show kiya ja raha hai invoice mein. Aur jo customers ko ye billing kar rahe hain, jo bhi amount unhone freight ka pay kiya hai, uske baad jo taxes pe lage hain, usko jod ke कितनी बिलिंग कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को? 2% की बिलिंग वो कर रहे हैं. तो जैसे सपोज कीजिए, अगर 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन है और उसका फ्रेट का अमाउंट 1 लाख रुपए आ रहा है और उसमें 5,000 रुपए से जीएसटी लेवीएबल है, तो 1,05,000 का ये कितना कर रहे हैं? 2% कर रहे हैं. 1,05,000 का 2% ये ऐड कर रहे हैं इसमें, और फिर ये अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं? बिल कर रहे हैं. यानी ये बिलिंग हो गई इनकी कितनी? जैसे 1,07,100. दिस वे द कंपनी इज यूजिंग, मतलब कि मोड ये रहेगा कि हम जो भी फ्रेट पेमेंट करेंगे उसका 2% जो भी टैक्सेस समेत जो भी अमाउंट आता है उसका 2% अप करके हम क्या करेंगे? आपको ट्रांसपोर्टेशन की क्या करेंगे? बिलिंग करेंगे. ये स्ट्रक्चर से चल रहा है. नाउ फ्लोज यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेंडर्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस. तो जो आपके बिस्किट्स बनाने के लिए जो आटा काम में आ रहा है वो कहां से ले रहे हैं? वो मध्य प्रदेश से ले रहे हैं और एक्स फैक्ट्री बेसिस पे लिया जा रहा है. यानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब हमको ही अरेंज करना होगा उस रॉ मटेरियल को अपनी प्रीमाइसेस में लाने के लिए. दैट इज कंपनी एंगेजेस व्हाट जीटीए टू ट्रांसपोर्ट द फ्लोस फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ द वेंडर्स टू इट्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ वेंडर्स टू इट्स फैक्ट्रीज लोकेटेड न्यू दिल्ली. यानी एमपी से न्यू दिल्ली तक लाने के लिए अपन ने कौन सी सर्विसेज अवेल करी है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की से सर्विसेज क्या है? अवेल अपन ने करी है. अब देखिए, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा relating to transportation of biscuits and flows for the month of April 2000. जो अप्रैल 2017-18 जैसा भी केस है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स और फ्लोज के लिए कंपनी ने ये आपको डेटा प्रोवाइड किया है. तो ये तो एक स्ट्रेटेजी बताई कंपनी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो भी हमारी फ्रेट चार्जेस होंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी उसका 2% हम बिलिंग ऊपर करके एज इट इज शोन सेपरेटली एज अ लाइन आइटम देयर इन द इनवॉइस, जो भी इनवॉइस का अमाउंट आएगा. अब फॉर सेल्स विद इन दी एनसीआर रीजन, द कंपनी हैज अरेंज्ड अ लोकल मिनी वैन बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल एंड पेड हिम 54,000 रुपीज. तो एनसीआर रीजन में माल बेचने के लिए कंपनी ने क्या किया? लोकल मिनी वैन को हायर किया हुआ है. वो कि किसके द्वारा ओन्ड है? इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड है और उसको 54,000 रुपए 54,000 रुपीज का क्या है अपन ने पेमेंट किया है. तो देखिए, अगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ गुड्स बाय रोड, तो अपने को पता है कि जीटीए या कोरियर
एजेंसी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का बाय रोड, वही क्या होता है लायबल होता है, जैसा कि एंट्री 18 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 रेट का जो नोटिफिकेशन है जिसमें एग्जेम्पशन अपने को दे रखे हैं इंडिविजुअल, वो क्या है, वो जीटीए के एम्बिट में नहीं आ रहा है। फिर फॉर सेल्स टू लोकेशंस इन डिस्टेंट स्टेट्स, डिस्टेंट स्टेट्स के अंदर जो भी हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसके लिए अपन क्या है इंडियन रेलवेज की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और उनको फ्रेट का पेमेंट किया जा रहा है 3,17,000 रुपीज का। तो यहाँ इंडियन रेलवे की अपन क्या है सर्विसेज यूज कर रहे हैं डिस्टेंट स्टेट्स के लिए और 3,17,000 रुपीज का क्या है फ्रेट का पेमेंट किया जा रहा है। तो देखिए जहां रेल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल से, वहां क्या हो जाता है वो लायबल हो जाता है जीएसटी के लिए, वो लायबल रहता है किसके लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेल के माध्यम से अगर कर रहे हैं या जीटीए के माध्यम से कर रहे हैं तो लायबिलिटी अराइज हो जाती है। और रेल के माध्यम से अगर अपन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो अपने ये बिस्किट्स ये एग्जेम्पशन की लिस्ट में भी नहीं आ रहे हैं अंडर एंट्री 21, जो एंट्री 21 है ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 सीटी आईटीआर रेट में, वो क्या है सेम इज नॉट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जेम्पशन आल्सो, तो वो एग्जेम्पशन की एम्बिट में भी नहीं आ रहा है तो इसलिए उस पर जीएसटी पे होएगा। तो यहाँ जीएसटी लगेगा 3,17,000 रुपए की जो फ्रेट है। फिर देखिए आगे क्या बोलता है, फॉर सेल्स टू लोकेशंस इन नेबरिंग स्टेट्स 55 लाख रुपीज, कंपनी बुक्ड द गुड्स बाय रोड कैरियर्स जीटीए और पेड पेमेंट किया है फ्रेट का, कितना फ्रेट का पेमेंट हुआ है यहाँ 3,73,000 रुपीज का। आउट ऑफ द टोटल सेल्स टू नेबरिंग स्टेट्स गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख वर बुक्ड थ्रू जीटीए विच हैज पेड टैक्स एट रेट ऑफ 12%, द फ्रेट ऑफ रुपीज 73,000 वॉज पेड टू जीटीए। तो जब अपन जो रेट का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं जहां रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि जीटीए अगर 5% की रेट से क्या दे रहा है टैक्स देता है तब तो आरसीएम लगता है, और जीटीए 12% की रेट से टैक्सेशन आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, यानी जीटीए को पे करना है ये टैक्स, जीटीए को टैक्स पे करना होगा। तो जहां 73,000 फ्रेट का जो पेमेंट किया गया है 73,000 रुपीज को, वहां क्या है जीटीए विल पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रिमेनिंग जो 3 लाख रुपीज रह गए आउट ऑफ 373 जो रिमेनिंग 3 लाख रुपीज रह गए वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा और जो अपना आरसीसी है उसको क्या है जीएसटी पे करना होगा 5% की रेट से। तो 3 लाख रुपए पे तो क्या हो जाएगा 5% की रेट से जीएसटी लगता है और 73,000 रुपए पे क्या है 73,000 रुपीज पे 12% की रेट से जीएसटी लगेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये आपको बता रखा है जो एंट्री नंबर 2 है नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 आईटीआर रेट का जो इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट का नोटिफिकेशन है, या 9 जो अपना सेंट्रल टैक्स का रेट का नोटिफिकेशन है 13/2017 वहां एंट्री 1 के अंदर क्या है The same has been provided. फिर ये कह रहे हैं for purchases of floor from Madhya Pradesh, company booked GTA and paid road freight of क्या rupees 55,000. तो अपने को ये पता है कि जो transportation हो रहा है floor का वो क्या है The same has been what? Exempt.
फ्लोर का जो ट्रांसपोर्टेशन कर रखा है जीटीए के माध्यम से, अगर फ्लोर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सेम हैज बीन व्हाट एग्जेम्प्ट वाइड एंट्री 22। जो एंट्री 22 है नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 आईटीआर, या फिर जो आपके एंट्री नंबर से 21 है 12/2017 सीटी रेट, इसके माध्यम से फ्लोर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। फॉर परचेजेस ऑफ बटर फ्रॉम पंजाब, बटर भी परचेज कर रहे थे, मतलब फ्लोर तो परचेज कर ही रहे थे, बटर भी परचेज कर रहे थे फ्रॉम पंजाब, ₹15 लाख, द कंपनी बुक्ड द गुड्स बाय जीटीए एंड पेड फ्रेट ऑफ ₹35,000। तो अब देखिए जो बटर का ट्रांसपोर्टेशन है, बटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे जीएसटी लेवेबल होगा, क्योंकि जो मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन है या मिल्क के रिलेशन में क्या है, एग्जेम्पशन दे रखा है, पर बटर के रिलेशन में कोई एग्जेम्पशन नहीं दे रखा, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, बटर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मिल्क एंड देन देयर फोर दैट एग्जेम्पशन विल नॉट ऑपरेट। जो एग्जेम्पशन दे रखा है एंट्री 22 के अंदर वो यहां पे क्या है, द सेम हैज नॉट बीन, बटर इज नॉट फिगरिंग देयर, देयर फोर द सेम विल बी लायबल टू जीएसटी। फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर परचेज किया है, कंपनी बुक्ड गुड्स बाय जीटीए इन अ सिंगल कैरिज एंड पेड रोड फ्रेट ऑफ ₹1,500। तो अब ये जो बेकिंग पाउडर है ये एक तरह से क्या हो गया, सिंगल कैरिज है, एक स्मॉल व्हीकल्स के रिलेशन में क्या मिल गया आपको, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो कि आपको दे रखा है वही एंट्री 21 के अंदर से ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीटी रेट, या फिर 22/2017 आईटी रेट में ही आपको दे रखा है। कि अगर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट है तो वहां पर ने देखा था कि अगर एक ही सिंगल कंसाइनी है और एक ही ट्रक में माल जा रहा है और 750 से ज्यादा नहीं होता है तो वो एग्जेम्प्ट रहता है, या फिर एक स्मॉल व्हीकल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो अगर ₹1,500 से ज्यादा का टोटल फ्रेट जो चार्ज किया गया है उस कैरिज के रिलेशन में अगर वो एक्सीड नहीं करता है द सेम इज एग्जेम्प्ट, तो उस वर्च्यू से ये भी क्या रहेगा, एग्जेम्पशन के एम्बिट में रहेगा। फॉर ट्रांसफरिंग द बिस्किट्स ओपन मार्केट वैल्यू ₹4 लाख टू वन ऑफ इट्स सिस्टर कंसर्न इन राजस्थान, द कंपनी बुक द गुड्स बाय जीटी एंड पेड फ्रेट ऑफ ₹40,000। तो कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन किया अपनी सिस्टर कंसर्न को जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, और उसको जीटी के माध्यम से कितना फ्रेट का पेमेंट हुआ है, ₹40,000 का फ्रेट का पेमेंट हुआ है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर्स गिवन अबव कंप्यूट द जीएसटी पेबल, आपको क्या निकालना है, जीएसटी पेबल निकालना है ऑन द अमाउंट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड, यानी जो भी एक्स वाई जेड लिमिटेड ने ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट किया है उस पे जीएसटी कितना पेएबल है, चाहे वो एक्स वाई जेड लिमिटेड पे कर रही है या चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीटीए पे कर रहा है, व्हेन इट सर्वेस व्हेन इट अवेल्स व्हाट सर्विसेज ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स। तो पहले तो ये निकालना है अपने को कि कितने कितने जो ट्रांसपोर्टेशन अपन ने किए हैं उन पे कितनी कितनी जीएसटी की लायबिलिटी वर्कआउट होके आ रही है, चाहे वो माल खरीदा है या चाहे वो माल बेचा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूट द जीएसटी चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्ड बाय द कंपनी टू इट्स कस्टमर्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उन्होंने अपने कस्टमर्स को बिल की है उस पे उन्होंने कितना जीएसटी क्या है से चार्ज किया है वो देखने वाली बात है। अज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड बिस्किट्स टू बी 5%, तो जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड बिस्किट्स 5% की रेट से है एंड 12% एक्सेप्ट वेयर एनी अदर रेट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो जीएसटी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिलेशन में 5% है एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन बिस्किट्स क्या है, बिस्किट्स में रेट क्या है, 12% की रेट से टैक्सेशन हो रहा है। तो बिस्किट्स में 12% की रेट से टैक्सेशन है और जो भी जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अपन ने अवेल की है उसपे 5% की रेट से जीएसटी एप्लीकेबल है। तो आपको दो क्वेश्चंस अपने को इस केस के अंदर क्या है निकालने हैं।
Now we say proceed. अब हम proceed करते हैं जैसे कि हमारे को कैसे कैसे क्या है अपने को GST की liability निकालनी है. तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है कि जो भी अपन ने transportation charges pay किए हैं उस पे कितनी क्या आती है अपनी GST की liability आती है. That is question number one. That is computation of GST payable on amount paid to amount paid for say transportation of goods. ठीक है, जो भी अमाउंट अपन ने ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट किया है बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये अपने को निकालना है. तो एक तो अपना जो फ्रेट जो अपन ने पे किया है वो आ जाएगा और एक आ जाएगा अपना जीएसटी का अमाउंट. एक अपना फ्रेट का अमाउंट आ जाएगा और एक अपना जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा. तो अब देखिए जो पहला एस्पेक्ट था, पहला जो इन्होंने दिया था अपने को, जो आपने सेल्स विद इन एनसीआर रीजन, तो जो सेल्स आ रही है विद इन एनसीआर रीजन, तो नंबर वन इज व्हाट, सेल्स विद इन एनसीआर रीजन, सेल्स विद इन एनसीआर रीजन, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसको पे किए हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज पेड टू इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, नो जीएसटी विल बी लेवीड सिंस इंडिविजुअल is not operating in capacity of GTA. Individual GTA की capacity के अंदर operate नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, exempt रहेगा void entry number 18 जो CTR की 12/2017 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत. तो ये याद रह जाए तो एंट्री तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर सेंट्रल टैक्स 12/2007 कर लो या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स IT का 12/2017 सॉरी और 9/2017 ITR इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट का जो नोटिफिकेशन है वहां आपको एक एंट्री बढ़ के मिलेगी एंट्री 19 के तहत. तो कितना अमाउंट का फ्रेट का अपन ने पेमेंट किया है, 54,000 रुपीस का अपन ने फ्रेट का पेमेंट किया है, वहां जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी की लायबिलिटी क्या आ जाएगी, निल आ जाएगी. दूसरा है अपना जो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन किया है किसके माध्यम से, रेल्स के माध्यम से, 3,17,000 रुपीस का पेमेंट किया है फ्रेट का और रेलवे फ्रेट पे 5% की रेट से क्या लग जाएगा, जीएसटी लेवेबल होगा. तो देखिए जो आपके ट्रांसपोर्ट थ्रू रेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ बिस्किट्स किसके माध्यम से, रेल के माध्यम से, ये लायबल होगा टू जीएसटी. किस रेट से उन्होंने बता रखा है, अंटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन पे 5% की रेट से टैक्स लग रहा है. वैसे रेलवे पे 5% ही है, रेट 3,17,000 का आपको निकालना है 5%, 3,17,000 का 5% works out to be 15,850 रुपीस. फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे, नेक्स्ट आ रहा था हमारा जो नेबरिंग स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें 3,00,000 रुपए तो आपके रिवर्स चार्ज में कंपनी को पे करना होगा, 73,000 के फ्रेट पे जीटीए को पे करना होगा. तो फिर है ट्रांसपोर्टेशन
of biscuits. Transportation of, transportation in say neighboring states. जो नेबरिंग स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें ऑन रुपीज 3 लैक्स, ऑन रुपीज 3 लैक्स आरसीएम एप्लीकेबल होगा, जीएसटी इज टू बी पेड बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड रिवर्स चार्ज के तहत एंट्री टू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 आईटी रेट। तो 3 लाख रुपए पे आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, 15,000 रुपए का जीएसटी ये हो गया, और 73,000 रुपीज पे 12% लग जाएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीटीए विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम। कौन को जीएसटी पे करना है? जीटीए को जीएसटी पे करना है, और वो बिल में रेस बिल में जोड़ के भेज देगा आपके पास। तो अल्टीमेट लायबिलिटी तो अपने को ही बियर करनी है। 73,000 का कितना? 8760। ये भी आपके इसी नोटिफिकेशन में दे रखा है, जो रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है उसमें ये साफ साफ स्पष्ट दे रखा है कि जहां पे आपके 12% की रेट से जीएसटी का पेमेंट होता है वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है एप्लीकेबल होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा है, ये तो माल अपन ने बेच दिया, फिर जो फ्लोर्स परचेज किए तो वो तो एग्जेम्प्ट रहेगा, तो उस पर कोई जीएसटी लेवेबल नहीं होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका? फ्लोर्स का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोर्स फ्रॉम एमपी, ये क्या हो जाएगा? जो 55,000 रुपीज का पेमेंट हो रहा है ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट रहेगा वाइड एंट्री 22 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 आईटी रेट। मध्य प्रदेश से जो अपन ने फ्लोर्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है वो क्या रहा? एग्जेम्प्ट रहा। उसके बाद देखिए आगे, आगे क्या कह रहे हैं, फ्लोर्स के बाद बटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर जीएसटी लगेगा 35,000 पे, बेकिंग पाउडर क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। तो जो अपने ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका? बटर के रिलेशन में, बटर के रिलेशन में क्या हो जाएगा? द सेम लायबल हो जाएगा टू जीएसटी, वही आरसीएम के बेसिस पे। जब अपने एंट्री ऊपर पड़ी नोटिफिकेशन एंट्री टू ऑफ से नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 एंट्री टू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 आईटीआर, उसमें क्या हो रहा है? ये क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा आईटी रेट। मतलब कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे बटर के? बटर के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे 35,000 रुपीज, और बेकिंग पाउडर 1500 वाला जो एग्जेम्प्ट रहेगा। बटर के हमारे चार्जेस हैं 35,000, इस 35,000 पे आपको 5% की रेट से क्या है? जीएसटी पे करना होगा। 35,000 को पे 5% की रेट से जीएसटी पे करना होगा 1750।
फिर वही ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, बेकिंग पाउडर का, ₹1500 है, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्मॉल व्हीकल के रिलेशन में आपको जो एग्जेम्प्शन दे रखा है, स्मॉल व्हीकल के रिलेशन में जो आपको एग्जेम्प्शन दे रखा है, एंट्री 22, जो एंट्री नंबर 22 है, 22/ एंट्री 22, 9/2017 आईटी रेट, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट था, वो ट्रांसपोर्टेशन था, जो सिस्टर कंसर्न को ट्रांसपोर्टेशन अपन ने पे किया है ₹40,000, तो ये जो सिस्टर कंसर्न को पे किया है उस पे आपको जीएसटी पे करना होगा। किस रेट से, 5% की रेट से आपको क्या है, जीएसटी उस केस में पे करना होगा। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन टू सिस्टर कंसर्न, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रेट वॉज देयर, आरसीएम लग जाएगा 2/2 एंट्री नंबर 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 10/2017, जो आईटी रेट है, 5% की रेट से जीएसटी इसमें लग जाएगा ₹2,000। तो हमारा ये पूछ रहा है कि कितना टोटल टैक्स पेबल है, चाहे वो रिवर्स चार्ज में है चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज में है, टोटल जीएसटी पेबल ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चाहे वो रिवर्स चार्ज में चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज में है, टोटल जीएसटी पेएबल कितना हो गया, देखिए 15850 प्लस 15,000 प्लस 8760 प्लस 1750 प्लस 2000, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 43,360। तो पार्ट वन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई जैसे आपको ये रिमेम्बर करना है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल व्हीकल का एग्जेम्प्ट है, और यही स्मॉल कंसाइनमेंट्स के रिलेशन में आया, 750 वाली बात अगर लिख दे वो भी आपको क्या है ध्यान में रखनी है। जो जो गुड्स जीटीए या रेल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, जो एग्जेम्पशन अपने को मिल रहा है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रिलेशन में या रेलवे इक्विपमेंट्स के रिलेशन में, डिफेंस इक्विपमेंट्स के रिलेशन, वो सब चीजें आपको क्या है, वेरी मच क्लियर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय आइदर जीटीए या बाय से एनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो क्या है उसके रिलेशन में क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये तो पहला वाला पार्ट था। नाउ वी गो टू व्हाट द सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट ये क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट ये पूछ रहे हैं कंप्यूट द जीएसटी चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्ड बाय द कंपनी टू इट्स कस्टमर्स। तो जो कंपनी ने अपने कस्टमर्स से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बिलिंग की है, तो उसमें क्या जीएसटी पेएबल होगा, ये सेकेंड पार्ट के अंदर ये हमसे पूछ रहे हैं। तो अपन ने देखा था कि एफओआर बेसिस पे गुड्स की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, और कंपनी जितना भी जीएसटी प्लस टैक्सेस पे कर रही है उसके ऊपर 2% और क्या है, अपना मार्जिन ऐड करके बिलो द लाइन आइटम वो उसको क्या कर रही है, बिल कर रही है। तो अब हमारे ये देखना है कि उस पर कितना जीएसटी क्या होएगा, पेबल होगा। तो सेकंड एस्पेक्ट क्या है, जीएसटी की लायबिलिटी अपने को निकालनी है, जो कंपनी को जीएसटी क्या करना है, पे करना है, वो अपने सेकंड पार्ट के अंदर आ रहा है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
बिल्ड टू कस्टमर। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे गुड्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं FOR बेसिस पे। जो गुड्स हमारे सप्लाई हो रहे हैं वो FOR बेसिस पे सप्लाई हो रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन अपन क्या है, प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ये क्या हो गई, एक तरह से कंपोजिट सप्लाई हो गई, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई, प्रिंसिपल सप्लाई हो गई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहां गुड्स क्या है अपने, जो बिस्किट्स हैं, दैट इज बेसिकली आवर प्रिंसिपल सप्लाई। तो हेयर एक्चुअली जब प्रिंसिपल सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, तो सेक्शन जो 8 है टैक्सेशन के लिए बोलता है, सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017, वो ये क्या बताता है कि एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या रहेगी, उस केस के अंदर एप्लीकेबल जीएसटी रेट रहेगी ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। और अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बिस्किट्स हैं इस पे जीएसटी की रेट क्या है, 12% से लेवियबल है। तो हेयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल ऑल्सो बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ से 12%, बिकॉज वो फंडामेंटली इसमें क्या हो गई, इनबिल्ट हो गई। तो अब जितने भी अपन ने अपने कस्टमर से ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट चार्ज किया है, उसमें अपने को क्या है, जो अपन जीएसटी पे करके आए हैं उसमें एक 2% का मार्जिन रखते हुए, फिर जो भी अमाउंट आता है उस पे क्या हो जाएगा, अपने को जीएसटी पे करना होगा। और किस रेट से जीएसटी पे करना होगा, अब वो 12% की रेट से जीएसटी लगेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो जी अगर अपन ने किसी की सर्विसेज ली, अवेल करी, वहां जीएसटी लगा या नहीं लगा, अपने को ये गुड्स की एक तरह से प्रिंसिपल सप्लाई के साथ ये काउंटिंग में आ जाएगा, और 12% की रेट से क्या देना पड़ जाएगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो लोकल मिनी वैन में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, वहां 54,000 रुपीज का अपने फ्रेट पे किया, जीएसटी कुछ भी नहीं था उसमें, तो 54,000 का ही मार्कअप हो जाएगा 2% ऊपर, और जो भी अमाउंट आएगा 102% हो गया एक तरह से, और उस अमाउंट पे आपको 12% की रेट से जीएसटी चार्ज करना होगा। इसी हिसाब से जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ 3,17,000 रुपीज पे, उसका जीएसटी पे किया है 3,17,000 का 5%, उसको इंक्लूड करके 102% अपने को निकालना है, और उस पर 12% की रेट से जीएसटी पे करना है। फिर 3,73,000 रुपीज, चाहे वो 3 लाख रुपए हो, उस पे 5% की रेट से जीएसटी रहा है, 73,000 पे 12% की रेट से जीएसटी लगा है, उन पे 102% आपको क्या है, एक तरह से पे करना पड़ेगा, और उस पे जीएसटी 12% की रेट से क्या है, एप्लीकेबल होगा। ये अपन ने अपनी बिलिंग की अपने कस्टमर्स को, वहां अपने को क्या है, एक तरह से जीएसटी की लायबिलिटी अपने को निकालनी है। तो देखिए वो कैसे निकाली जाएगी, वहां प्रिंसिपल की सप्लाई की टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हमारे एक तो हो गया अपने पर्टिकुलर्स हो गए, वो एक जो भी अमाउंट अपन ने क्या किया है, फ्रेट का पेमेंट किया है, उस पे अपन ने कितना जीएसटी पे किया है, इनका टोटल, फिर फ्रेट जो अपन ने बिल की है एक तरह से 102%, और उस पे लग गई अपने एप्लीकेबल जीएसटी एट रेट ऑफ 12%।
इस तरह से अपने को चलना पड़ेगा. सबसे पहले अपना था ट्रांसपोर्ट जो हुआ था गुड्स का बाय इंडिविजुअल इन मिनी वैन. हमने इसमें 54,000 रुपीज का फ्रेट पेमेंट किया था. जीएसटी हमने इसमें कोई पे नहीं किया था. टोटल हो गया अपना ऐसे 54,000 का. इसका 54,000 का मार्कअप समेत कितनी फ्रेट बिलिंग हो गई, 54,000 का 102% एक तरह से हमारी बिलिंग हो गई 55,080. और इस पे लग गया क्या 12% की रेट से जीएसटी, दैट इज 6609.60. फिर दूसरा था हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के माध्यम से था. और अपन ने देखा जब रेलवे को ऊपर ट्रांसपोर्टेशन अपन ने किया था तो हमने 3,17,000 रुपीज था ये अमाउंट. और उस पे जीएसटी अपने लग रहा था कितना 15850. तो देखिए रेलवे के तहत ट्रांसपोर्टेशन 3,17,000 था, जीएसटी पे किया था 15850. फाइव परसेंट ये करके टोटल अमाउंट आ रहा था 332,850. और इस पे आपको क्या है मार्कअप करना है, ये हो जाएगा 339, 102% मार्कअप हो गया 339,507. और इस पे आपको क्या है 12% की रेट लगानी है, दैट वर्क्स आउट टू बी 40740.84. ठीक है. तो इसी हिसाब से तीसरा था हमारे ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए जो कि आरसीएम में आ रहा था. और एक चौथा भी था ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए, कस्टमर का जो बिलिंग हो रही थी जो कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत आ रहा था. एक तो जहां रिवर्स चार्ज में आ रहा था वहां हमारे 3,00,000 रुपए का अमाउंट था और 15,000 रुपए जीएसटी था, और एक 73,000 का अमाउंट था और वहां 8760 जीएसटी था. तो ये आपने को ध्यान रखना है. तो एक तो गया आरसीएम के तहत 3,00,000 रुपए का फ्रेट पेमेंट हुआ था, आरसीएम में 5% लगता है जीएसटी, 15,000 रुपए ये हो गया था, 3,15,000 हो जाएगा टोटल. और 3,15,000 का 102% मार्कअप हो गया 321,300. और इस पे लग गया अपने 12% की रेट से जीएसटी 38,556. सिमिलरली 73,000 का अपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अपने ट्रांसपोर्टेशन आ रहा था, उसमें जीएसटी 12% पे किया था, वो कितना अमाउंट आ रहा था 8760. दैट वाज 8760. और हमारे टोटल हो गया 73,000 प्लस 8760, दैट वर्क्स आउट बी 81760. एंड इस पे लग गया मार्कअप 102%, मतलब 83,395.20. और जिस पे लगा दिया मैंने 12% जीएसटी, दैट वर्क्स आउट विथ 10,007.42. ये आपके फॉरवर्ड चार्ज में. तो टोटल एक तरह से आपका जीएसटी जो अपन टोटल टैक्स चार्ज बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट
It works out to be 6609.60 plus 40740.3 plus 38556 plus 100.4. 95, roundabout comes out to be 9591, 3 point something. तो ये आपके क्या है? Total अपने को क्या है? जो GST अपने को चार्ज करना है. तो इस तरह से conceptually आपको ये देखना है और अब एक जो अपने sister concern को transfer हुआ था, वो अपने को basically अपनी sister concern है और यहाँ billing जो customers के लिए की जा रही है, तो sister concern cannot be regarded as what? A customer. तो उस केस के अंदर हमने उसमें कोई markup एक तरह से consider नहीं किया है. ठीक है, तो fundamentally जो भी total tax charge हुआ है customers से, ये customer से जो tax charge हुआ है, वो consider किया है अपन ने इसमें. तो you have to work out in this manner. इस तरह से आपको क्या है? GST payable workout करना पड़ेगा. तो एक तो जब हमने लिया है, क्योंकि इन्होंने जो billing की है, उसमें GST जो pay किया है, that has also been considered और उसका जोड़ के फिर क्या है? Markup किया है और GST की rate चूंकि इस केस के अंदर 12% इसलिए हो जाएगी, principal supply आपकी biscuits की है और transportation की services ancillary है, तो principal supply की tax rate क्या हो जाएगी? Applicable होगी. This way you have to solve the question and you must be clear in your concepts.